तो दोस्तों, आज की ये वीडियो व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में होने वाली है, जिसको लेकर व्हाट्सएप यूज़र्स बहुत परेशान हैं। लेकिन इस खौफ के पीछे क्या सच है और क्या झूठ, ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो दोस्तों, व्हाट्सएप ने इसी मंथ में ही अपनी प्राइवेसी पॉलिसी अपडेट किया है और अपने यूज़र्स को इस प्राइवेसी पॉलिसी को एक्सेप्ट करने के लिए 8 फरवरी का टाइम दिया है। इस नई प्राइवेसी पॉलिसी में सब कुछ डिटेल में बताया गया है कि व्हाट्सएप आपका कौन कौन सा डेटा कलेक्ट करेगा और क्यों करेगा। तो आपके जो डेटा व्हाट्सएप कलेक्ट करेगा, उनमें आपका कॉन्टैक्ट नंबर, जो कि आप ख़ुद व्हाट्सएप अकाउंट क्रिएट करते वक्त प्रोवाइड करते हैं, आपकी प्रोफाइल पिक्चर को देखेंगे, आपकी लोकेशन, आपका स्टेटस, अगर आप व्हाट्सएप पे स्टेटस देते हैं। इसके अलावा पेमेंट और ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, जिसमें आपका पेमेंट मेथड, शिपिंग डिटेल्स और ट्रांजैक्शन अमाउंट शामिल है। इसके अलावा आपके फ़ोन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी कलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपके फ़ोन का हार्डवेयर, मॉडल, ऑपरेटिंग सिस्टम, बैटरी लेवल, सिग्नल स्ट्रेंथ, ऐप वर्जन, ब्राउज़र इंफॉर्मेशन और मोबाइल नेटवर्क वगैरह शामिल है। तो व्हाट्सएप ये सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगी और फेसबुक कंपनी के साथ शेयर कर सकता है। और याद रहे कि व्हाट्सएप और फेसबुक का मालिक एक ही शख्स, मार्क जकरबर्ग है। ये बात सच है कि व्हाट्सएप से ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के बाद फेसबुक के साथ शेयर होगा, लेकिन कुछ गलत न्यूज़ भी लोगों में फैल चुकी है। वो ये कि व्हाट्सएप हमारे पिक्चर्स को फेसबुक पे शेयर करेगा, हमारे मैसेजेस को रीड करेगा, और हम चैट्स में जो पिक्चर्स या वीडियोस फॉरवर्ड करते हैं या सेंड करते हैं, उनको भी व्हाट्सएप कंपनी देख सकेगा। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि व्हाट्सएप आपके डेटा को कभी भी लीक नहीं करेगा। आपके मैसेजेस प्राइवेट ही रहेंगे और साथ ही व्हाट्सएप पे आपके ग्रुप्स भी प्राइवेट रहेंगे। इसके अलावा व्हाट्सएप और फेसबुक आपके मैसेजेस या चैट्स को रीड नहीं कर सकता, और ना ही आपकी भेजी हुई पिक्चर्स या वीडियोस वो देख सकेंगे। अब बात करते हैं कि व्हाट्सएप आपके डेटा को अपने पार्टनर कंपनी फेसबुक के साथ क्यों शेयर करना चाहता है। सिंपल से जवाब ये है कि फेसबुक और व्हाट्सएप अगर आपको फ्री सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके साथ साथ अपना बिजनेस भी चला रहा है। ना सिर्फ व्हाट्सएप, बल्कि खुद फेसबुक भी आपके डेटा को यूज़ करते हुए उन चीज़ों से रिलेटेड एड्स प्रोवाइड करता है, जिससे रिलेटेड आपने अपने ब्राउज़र या फेसबुक में सर्च किया हो। और जब भी आप उन एड्स पर क्लिक करते हैं, तो फेसबुक को उससे प्रॉफिट मिलता है और इसी तरह उनका बिजनेस चलता है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।